हेलो एवरीवन, सो आप लोग सब कैसे हैं एंड वेलकम टू माय वीडियो अगेन। एंड सो टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज व्हेन मून गोज टू द नाइन्थ हाउस। देखिए, मैंने मून एट्थ हाउस तक बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके जरूर देख लीजिएगा। सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और अब जानते हैं नाइन्थ हाउस होता क्या है। देखिए, नाइन्थ हाउस डिनोट करता है आपके हायर एडुकेशन को, ये एक रिलीजियस ट्रैवल को भी डिनोट करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का ये हाउस माना गया है। नाइन्थ हाउस से फादर को भी डिनोट किया गया है। नाइन्थ हाउस ओवरऑल एक रिलीजियस हाउस माना गया है, मतलब आपका जो भी रिलीजियस बिलीव है वो सब डिनोट किया जाता है नाइन्थ हाउस से। तो आप जानते हैं कि मून क्या है। मून, जैसे कि मैंने बताया है, एक बहुत ही इमोशनल प्लैनेट है। ये आपके माइंड को कंट्रोल करता है, ये आपके जो भी इमोशनल अटैचमेंट है उसको कंट्रोल करता है। मून आपके माँ को डिनोट करता है। तो मून जैसा एक सौम्य प्लैनेट जब नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो ये देखा गया है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे नाइन्थ हाउस के चीजों को लेके, मतलब आप बहुत ही ज्यादा रिलीजियस पर्सन होंगे, ये देखा गया है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि नाइन्थ हाउस एक रिलीजियस बिलीफ का हाउस है, तो इससे यही देखा जा रहा है कि मून जब नाइन्थ हाउस में चला जाए तो ये एक रिलीजियस पर्सन को शो करता है। ऐसा देखा गया है कि आप मतलब रिलीजियस ट्रैवल में बहुत ज्यादा इंडल्ज रहना पसंद करते हैं, आपके मतलब गॉड के प्रति एक बहुत ज्यादा बिलीफ देखा गया है। और ये मून माँ को डिनोट करता है, इसीलिए देखा गया है कि आपकी माँ भी बहुत ज्यादा रिलीजियस होंगी, वो भी पूजा पाठ वगैरह बहुत ज्यादा करेंगी और उन्हीं से आप में भी ये रिलीजियस बिलीफ आएगा। ऐसा देखा गया है कि आप रिलीजियस ट्रैवल करना बहुत पसंद करेंगे, मतलब आप जो भी मतलब रिलीजियस चीजें आपके अंदर होंगी वो सब आपके माँ से ही आपके अंदर होगी। मतलब माँ भी ऐसी देखी गई है कि बहुत ज्यादा रिलीजियस ट्रैवल में इंडल्ज रहेंगी, ऐसा देखा गया है। अब नाइन्थ हाउस हायर एडुकेशन को भी डिनोट करता है, तो ऐसा देखा गया है कि आप लोग हायर एडुकेशन भी रिलीजियस स्टडीज में करना पसंद करेंगे। नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करता है, इसीलिए देखा गया है मून जब नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो ये अब्रॉड जाने का भी एक चांस बना रहा है, पर उसके लिए और भी कंडीशन देखना जरूरी है। क्योंकि एक चीज से तो नहीं बता सकते कि आप लोग अब्रॉड जा पाएंगे, ऐसे तो नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। तो मून जब नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो ऐसा देखा गया है कि आप लोग हायर एडुकेशन भी रिलीजियस सब्जेक्ट में करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है नाइन्थ हाउस के चीजों को करके। मतलब आप लोग सुबह सुबह उठ के पूजा वगैरह करना पसंद करते हैं, मंदिरों में जाना आप लोग बहुत पसंद करते हैं, इन सब कामों की वजह से आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसा देखा गया है। अब मून अगर नाइन्थ हाउस में कहीं डेबिलिटेटेड हो जाए तो ऐसा देखा गया है फिर नाइन्थ हाउस की चीजों को ये हानि पहुंचाता है। मतलब डेबिलिटेटेड ये वृश्चिक राशि में जब चला जाए, मून अगर नाइन्थ हाउस में है और वो नाइन्थ हाउस आपका स्कॉर्पियो साइन है तो मून डेबिलिटेटेड हो जाता है यहाँ। तो यहाँ देखा गया है कि आप लोगों को मतलब आप के अंदर इतना इमोशनल टर्मोइल चलेगा कि उसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, भगवान जैसा कुछ नहीं होता, मतलब आप लोगों का बिलीव ही वो खत्म हो जाएगा। और इसके भी कारण आपकी माँ ही होंगी, किसी ना किसी वजह से माँ की वजह से वो बिलीव फिर खत्म हो जाना, वो सब भी देखा गया है। पर मून अगर नाइन्थ हाउस में एक्सॉल्टेड है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो ऐसा देखा गया है कि ये रिलीजियस बिलीफ भी आपकी मामा की वजह से ही आपके अंदर ज्यादा आई है। अब मून जब नाइन्थ हाउस में चला जाए तो ऐसा देखा गया है कि आपकी माँ भी एक बहुत मतलब बड़े इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही होंगी, ऐसा देखा गया है, या वो भी किसी तरह रिलीजियस कोई भी इंस्टीट्यूट से उनका जुड़ाव होगा, ऐसा भी देखा गया है। तो
मून नाइन्थ हाउस में होने की वजह से कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आप लोग रिलीजियस चीजों में एक ओवर इंडल्जेंस देखा गया है, इसकी वजह से परिवार के लोगों के साथ थोड़ा मनमुटाव देखा गया है, आपका सेविंग्स भी खत्म हो जाना ऐसा भी देखा गया है कि आप लोग रिलीजियस ट्रेवल वगैरह में साल में इतना खर्चा कर देते हैं कि उसकी वजह से आपका जो सेविंग है उसमें भी एक डाउनफॉल आ जाना ऐसा देखा गया है। अब मून नाइन्थ हाउस में होने की वजह से ऐसा देखा गया है कि ओवर इंडल्जेंस टू गॉड एंड ऑल अदर रिलीजियस थिंग्स, इसकी वजह से आपका जो घर का जो शांति है वो भी बिगड़ सकता है, और ये आपके जीवन साथी के साथ भी कभी कभी एक खटास पैदा कर देता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा रिलीजियस ना हो और आप हर टाइम ये रिलीजियस चीजें करते रहेंगे तो फिर एक झगड़ा एक मनमुटाव वो भी देखा गया है। तो इसके लिए भी और अदर कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है, पर मैं बेसिक कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। जब मून नाइन्थ हाउस में चला जाता है तो ये सब देखा गया है। सो दिस इज माई एनालिसिस ऑन मून इन द नाइन्थ हाउस, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।